लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ਤਾਵ ਚਰਨ ਮਰੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਕਿਰਤ ਪਾਰਾ ਅਮਰੈ ਦੁਰਸਬੇ ਤੁਮ ਕਾਹੁ ਆਪਹਾਤੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਉ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਰਸ਼ਾ ਨਿਜ ਕਰਦੇ ਕਰੀਐ ਸਭ ਵਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੈ ਸ਼ਾਡ ਕੋਈ ਅਮਰ ਨਾ ਤਿਆਹੂ माँ बाप का जल्दी मरना कभी हादसा नहीं लगता, कभी मौत नहीं लगती, सिर्फ धोखा लगता है। खाली किसने दिया समझ में नहीं आता। क्या कर रही है? कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। मुफ्त के तस्वे नहीं बहा सकते क्या? उसके लिए भी चाय चाहिए इनको। बाहर का कोई नहीं भाई, बस अभी दादाजी और बुआ जी को ही चाहिए। छोटी बाथरूम में रो रही है, उसे पानी दे आ, ये मैं लेके जाता हूँ। कॉलेज पूरा होने तक वो खुद थोड़े को ही रहेगा। पापा जी मैं तो ज़्यादातर टूटते ही रहना, पिछे घर पम्मी संभाल दी है, वो ही मालक हैगी। तो हुण तुसी दोनों मिल के जो भी फैसला लोगे मेरे सर मत्थे ते आएगा। पापा जी असी अपना ते दूजा कदी कीता ही नहीं, पर ना साड़ी कोल रहन दी जगह ना पालन दी गुंजाइश, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਾਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਦੀ ਐਫ ਡੀ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਮੈਨੇ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਯਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਔਰ ਛੋਟੀ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Thank you.
मम्मी जरा मक्खन लाना। आ रही हूं। नाश्ता नहीं करना मुकु? बुआ जी वो कॉलेज लग गया होगा। वैसे भी दो टाइम का तो खा ही लेता है साला। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना नहीं था नसीब में। नसीब में थी इन सब की खिचड़ी, बीए पास। खड़ा क्यों है? धुआं खींचना है? बुआ जी वो क्या चाहिए? वैसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बुआ जी मुझे 1000 रुपये चाहिए, पर्चा छपवाना है, ट्यूशन देने की सोच रहा हूँ। जैसे ही मिल जाएगी वैसे ही मैं आपको। बेटा बीज बोते ही फल खाने के सपने नहीं देखने चाहिए, कभी कभी पेड़ नहीं भी उगते। नहीं मिली ट्यूशन तो तेरे दादाजी कोई करोड़ों तो भेजते है नहीं। ऐसे फिजूल ख्याल में पैसे वेस्ट नहीं करते। जी बुआ जी। जिसके कई दीवाने दफन है यहाँ, कोई निकल कर खेलने आ गया तो रुक तलाशी लेने दे। तलाशी? मैं कोई चोर हूँ क्या? ये दिल्ली है यार, कोई चोर है? ये अच्छे टाइम में प्लॉट कटते हैं, बुरे टाइम में जेब और खराब टाइम में गले। कास्परोव कुंवारी का दुपट्टा ना बना अपने चेहरे को, बहुत कफन चुराते तेरे जैसे। ओए सुन, रुक जा। क्या क्या उड़ाया? अरे उड़ाया क्या? हा? क्या है? किसी बुड्ढे के सोने के दांत, हीरे की अंगूठी। अच्छा अच्छा ओ पायस, एक बक्सा बनाने में पूरा दिन लगा देगा तू। ए जॉनी भाई। हाँ यही है, रोज आता है यहाँ पे, शतरंज खेलने का बड़ा शौक है इसे भी। ओ आजा गस्परा भाई, आजा आजा बैठ। शोशेबाज था तेरा कास्परोव, गेम कारपोव जानता था। चल चेस बोर्ड निकाल। कितनी देर लगा दी, लेडीज आना शुरू भी हो गई है। हाथ मुंह धो ले बंदा बन जा।
कमेटी निकाल रहे, कमेटी सारी लेडीज आई हुई है। हाँ जी, हाँ सारिका भी आई है। एक मिनट, हाँ सारिका नमस्ते कह रहे। नमस्ते, तुहानू भी नमस्ते कह रही है। हाँ जी, समोसे मंगाए सी। और मुकेश बड़ा काम शाम हो रहा है, कभी आके हमारी हेल्प भी कर दिया कर। बहुत ही मासूम है बेचारा। ठीक है, सच का। थैंक यू। फिर अगले हफ्ते चल जाते हैं। तो कब आ रहा है? ठीक है, खन्ना जी तो हेल्प ही नहीं करते हमारी। भाई सच्ची फन भी कहती है, तू ऐसी झेपा मत कर। सुन, सारिका सेबों की पेटी उठाने के लिए कह रही है, चला जाएगा ना? जी, अगले संडे चला जाऊंगा। और सुन, एक एक कप चाय बना दे जल्दी से बेटा। जी बुआ जी। सारिका का फिर फोन आया था, कल छुट्टी है, चले जाइयो। देख, मिस्टर खन्ना तेरे फूफा जी के अफसर है, ऐसे बंदे के घर रद्दी के अखबार उठाने भी जाना हो ना तब भी जल्दी करनी चाहिए। फिर वो तो सेबों की पेटी दे रहे हैं। चले जाइयो, रोटी चाहिए हो तो बोल दियो। अमित, उठ जा पुत्र, 11 बज गए ने। तो गया नहीं अभी तक? बस जा रहा हूँ बुआ जी। सारिका जी हैं? नहीं बुलाया, कोई नहीं है। सारिका जी की करना आया? जी, मिसेस वर्मा का भतीजा, वो सेबों की पेटी वास्ते आया हूँ। वो है भूतनी, भूतनी है, गायन है, बजरी है, वो है आफत की पुड़ी, नागन है, नागन सेब नहीं है, फेंक दिए, जाओ आओ जाओ। जी, उन्होंने ही बुलाया था। नहीं है, कोई नहीं है घर में, पहले तो बच के रही, तू बिजी बिजी करना, फिर तू मैं गाला कटेगा, तू भी बच के रही, तन भी बंद आएगी, तन बंद आएगी, भाग जाओ। बिजी मना किया ना आपको दरवाजा खोलने से, कोई आदमी हमारी गर्दन काट के चला जाएगा किसी पे। अंदर आके दरवाजा लगा देना। जी।
dolls. मेरी हैं। डैडी फॉरेन सर्विस में थे, छोटी थी तो बहुत दुनिया देखी उनके साथ। बैठो। जी आरती जी, वो मम्मी ने नाम नहीं बताया मेरा। जी सारिका, तुम हमेशा घर के काम में क्यों लगे रहते हो? दोस्त नहीं है तुम्हारे? क्या बात है, डर लगता है मुझसे? बच्चे थोड़ी हो तुम। जी कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं। कौन? बीजी, बीजी को लगेगा। बीजी सोई पड़ी है, बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो भी नहीं उठेगी। जी वो सेवो की बेटी। आने में इतने दिन लगा दिए तुमने, लास्ट बेटी बची थी, सुबह सुबह खन्ना जी ने किसी को दे डाली। और आ जाएंगी मेरे शिमले वाले भाई साहब के ऑर्चर्ड से। खरे हैं लड़कियों जैसे, ठीक से कोम किया करो नहीं तो कटवा लो। हेलो, नहा लेना। नहा के आया हूँ। अच्छा, फिर भी नहा लेना। बहुत जल्दी में रहते हो बच्चे, गई तुम्हारी। सीख गया, कुछ अभी बाकी है। चेक। साली कुमारी रान बन गई है।
दिल्ली का पानी खराब है, हेयर स्टाइल देखिए दिल्ली लग गई जट्टा नु। सुन बाऊजी का मनी ऑर्डर नहीं आया अभी, तूने जो कपड़े जूते खरीदे हैं। ट्यूशन लगी है एक दो, पढ़े मार रहा है। पर्चे पे तो तूने यहाँ का नंबर दिया हुआ है, एक इंक्वायरी नहीं आई 12वीं पास टीचर के लिए। जी जी वो कॉलेज में लाइब्रेरी ने दिलवाई है, यहीं पाड़गंज में रहते हैं। छुट्टी के दिन कहाँ जा रहे? जी ट्यूशन देने। अशोक घर पे, अपने कान और आँख खुले रखना, जबान बंद। मेरे पैरों नु बेड़ियां पा रखी सू, मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हाँ, आई गल समझ? विजय तुसी ब्रेक लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर बंद कर देना। तेरी वोटी सारा दिन उस मुंडे नाल खेल दी, तेन कुछ पता? चलो तुसी। आज क्लब जाने में देर हो गई, आगे के लिए मोबाइल दिलवा दूंगी। जी। रसीद लेते आना। कौन है ये? ओ, पम्मी का भतीजा, बड़ा हेल्पफुल बच्चा है। 1 बजे मैं सारिका के घर पे नहीं तो हाना की गाड़ी में था। सोनू और छोटी का जो करना है हम नहीं करना है जी, पर यहाँ तो खुद कोई पूरा नहीं पढ़ रहा। मुकेश पुत्र, तू जल्दी से बीए पूरा कर ले, आगे सब तुझे ही देखना है। छोटी और सोनू को होम में डलवा देते हैं, पम्मी अकेली कितना कर लेगी। सोनू छोटी चलो बेटा। ठीक है बेटा, भैया के मिलता है, चलो मुको। सारिका को सब पता था, लेकिन पहले उसने कुछ कहा नहीं। फिर एक दिन अचानक, भाई एक मिनट। जी हेलो। जी मैं मुकेश, वो सारिका जी ने भेजा मुझे। हाँ हाँ आओ आओ। मेरे से नहीं होगा ये सब। क्यों नहीं होगा? यहाँ तो बहुत कुछ होता है तुझसे। ऐसे के लिए नहीं कर रहा था मैं। हुआ क्या? पहले उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, मुझे लगा ज्यादा है। फिर उन्होंने मेरे साथ
मैंने जब मना किया तो फिर उसने मुझसे तो ये सब नहीं कहा। बहुत खुश थी। उन्होंने धमकी दी कि लोगों कहेगी कि मैं जबरदस्ती घर में घुस आया हूँ। मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। अच्छा, कैसा लड़का है तू? ऐसे पैसों के लिए ये सब काम करना? आप ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा मैंने रख लिया, बाकी तेरा। मुझे नहीं करना ये काम। तो क्या करेगा तू? फर्स्ट ईयर बीए में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। चल ठीक है, मत कर, जा, और कल से यहां भी मत आना। दफा हो। चांस दिया था, रोते बिलकते वापस आ गए। शक्ल मत दिखाना अपनी। मुकेश, अच्छा लगता है तुझे रिश्तेदारों के घर नौकरों के जैसे रहना? हाँ, अच्छा। इन पैसों से तू क्या कर? नंबर असली थे, नाम नकली। फोन करके नकली नाम के लिए पूछना होता था। हेलो नेहा जी, अगर सामने वाला ना पहचाने तो? जी सॉरी, गलती से लग गया। क्लाइंट सर्विसिंग समझता है ना, जो भी वो कहें चुपचाप करना। खुश रखेगा तभी डिमांड आएगी, नहीं आनी चाहिए। भेजा है मनी ऑर्डर, कौन है? नए नए कपड़े कहाँ से आते हैं? भाई है तो मैं कैसे मान लूँ? कमाने वाला है तो तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? ठीक है, मैं आके बात करूँगा उससे। छोटी तू जा यहाँ से। हेलो भैया, मुझे ना यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ना भैया, वो जो तुमको तंग कर रही हैं? नहीं भैया, वो रात को पीती हैं, बाहर जाती हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उन्हें लेने आती हैं। वापस आती है तो बहुत सारे पैसे होते हैं उनके पास, वार्डन को भी देती हैं। कल हमें भी कह रही थी साथ चलने को। अच्छा, तू फिक्र मत कर, मैं आके देखता हूँ। भैया प्लीज जल्दी आना। चल, अपना ख्याल रखना। बाय। हेलो, कल परसों का कुछ मत रखिएगा। क्यों? नहीं, मैं सोनू और छोटी से मिलने जा रहा हूँ, कल सैटरडे संडे को जाऊंगा। सरकारी नौकरी है जो हफ्ते में 5 दिन काम करेगा। कल चला था, आदत मत डाल। भाई ये वार्डन ऑफिस किस तरफ है?
इनको लेके क्यों नहीं जाता यहाँ से? ऐसे तो और भी महंगा पड़ेगा। ले जाऊंगा, आप बस। हाँ वो इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत छोटी है ये, और मैंने सुना है कि। क्या सुना है? इनका कोई नहीं है ये मत सोचिएगा। मैं ये फोन लाया था उनको देने के लिए। मैं देख, ये फोन वोन का शोशा नहीं है। फोन है ना यहाँ, तेरी बात तो होती रहती है। ये बच्चों के लिए कुछ मिठाई। इसे रखो और फोन करते रहना, अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो फिक्र मत करना, मैं पैसे डलवा दूंगा। भैया हमें यहाँ नहीं रहना। बस कुछ दिनों की बात है, मैं फिर तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा, प्रॉमिस। ओए मॉरिशस, क्या है बे? ज्यादा नहाने से गोरा नहीं हो जाएगा तू? साला साल में एक बार नहाता और पूरे मोहल्ले का पानी खत्म कर देता। तो हर रोज ना के क्या करूंगा, तेरी तरह साइड बिजनेस थोड़ी ना खोल रखा है मैंने। अबे खोल ले साइड बिजनेस, खोल ले, कम से कम सच में मॉरिशस चला जाइयो, नहीं तो जिंदगी भर सपना देखते रहियो और फोटो चिपकाते रहियो। अबे क्यों मरे जा रहा है, बचा रखा है तेरे लिए पानी, ला भी लेना धो भी लेना। जॉनी भाई। अरे ट्यूशन मास्टर, तेरे हेड मास्टर से मिलाता हूँ, पीएचडी कर रहा है भाई। पीएचडी? दिन में केमिस्ट्री में करता है, रात में बायोलॉजी में। अबे तेरे से तो बेहतर है, तू किसमें पीएचडी कर रहा है, मुर्दे गाड़ने में? बेटा मैं तो निकल जाऊंगा पीएचडी करके, तू पढ़ा रही हो या मुर्दों के बीच? बेटा टाइम टाइम की बात है, टाइम बदलने में टाइम नहीं लगता, समझा? चुप है, बे टाइम की पैदाइश। जानी भाई ये आपके लिए। उधार चढ़ा गया तो मुझ पर। नहीं, डोंट टच मी। शुरू में उनके ठीक होने का इंतजार करती थी, पता था शायद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी। बाद में उनके मरने का इंतजार करने लगी, दिल से नहीं चाहती थी मगर थक चुकी थी। महीने साल में बदल गए और साल सालों में, हर रोज इंतजार, कभी उनके मरने का और कभी ठीक होने का। आपका कोई और नहीं है? हाँ है, बेटा है, तुमसे थोड़ा बड़ा, सिंगापुर में रहता है, पैसे भेजता है वहीं से, पर आ नहीं सकता।
बहुत मुश्किल है। हेलो, तुम चलो, अभी थोड़ी देर में सब रिलेटिव्स वगैरह आते होंगे, ठीक है? ओके। एंड लिसन, थैंक्स। यहाँ तो कोई हरकत ही नहीं हुई। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। फोन कर रही थी, उठाया क्यों नहीं? हॉस्पिटल में था इसलिए बंद रखा था। चला जा, किराया भरा है तो वसूल तो करना चाहिए। क्या हुआ? बॉडी घर पे छोड़ के आ रहा हूं। चला जा, तुझे घर छोड़ देती हूँ। कुछ दिनों तक घर मत आना। अशोक अजीब मूड में रहता है, कभी भी आता है कभी भी जाता है। अब नाराज हूँ मुझसे? तू मेरा जो बहाने से नाराजगी दिखाऊंगी। कुछ कहा है कर, बस कब आना है मैं बता दूंगी। मुझे यहीं उतार दीजिए, कुछ काम है। गुड डिस्काउंट। या इट्स गुड डिस्काउंट। या थैंक यू। सर, ये मेरा दोस्त है जॉनी। हेलो। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मुझे क्यों मिला है सर? दोस्त है मेरा, यहीं पास में रहता है। मैं कब्रिस्तान में इसके साथ। बताया तो नहीं हमारे काम के बारे में? नहीं, मैंने कहा कि आप मुझे ट्यूशन दिलाने में हेल्प कर रही हैं, बस। अच्छा, शरीर के साथ साथ दिमाग भी तेज हो गया। हाँ बर्नर, क्या काम था? घर लेना है मुझे। खरीदना है? नहीं, खरीदना नहीं है, किराए पे लेना है। हाँ तो ले ले। अरे ले तो लूँ, लेकिन अकेले लड़के को देता कौन है यहाँ? और फिर जब तक घर नहीं होगा तब तक बहनों को बुला नहीं सकता मैं। उसकी फिक्र मत कर, बुला ले अपने बहनों को। घर ही नहीं है तो कैसे बुलाऊँ?
कह रहा हूँ ना उसकी फिक्र मत कर, एक आंटी अपनी भी फ्रेंड है। ये फैमिली कहाँ है, ये तो छड़ा है। क्या बात कर दी आंटी जी, मैं हूँ ना बन गई फैमिली, आजकल तो छड़ी भी फैमिली बना लेते हैं। बकवास मत कर जॉनी। अरे नहीं नहीं, दो बहुत प्यारी बहन है, आकर रहेंगी साथ में, बच्चे हुकुम चलाते रहना, हाँ सेवा किया करेंगी। जी ये किराया कितना है? 3,000। पगड़ी नहीं ले रही हूँ क्योंकि जॉनी लाया है, लेकिन 3 महीने का एडवांस लूंगी। 15 दिन में कमरा खाली हो जाएगा, एडवांस अभी चाहिए। अरे 15 दिन में बहनें भी आ जाएंगी, एक आध चाबी दे देना, एक आध एडवांस ले लेना, ठीक है जी, अच्छी बात। देख जॉनी, मेरा कमरा खाली नहीं रहना चाहिए। क्या बात कर रहा हूँ, नुकसान थोड़ी ना होने देगा तुम्हारा, अपना घर है, 15 दिन में फुल एंड फाइनल लक्की। एक भिंडी ले रहा हूँ आंटी जी। दफा, तू क्या चूतिया है, घर मिला नहीं तू एडवांस देने चला था, भाई समझा नहीं तू शहर को अभी तक। जॉनी भाई क्या है? थैंक यू। क्या कर रहा है? ओए तुझसे बात कर रहा हूं, वो मेरा ड्रॉर है। अबे ड्रॉर मेरा है, तूने चाबी लगा के कब्जा किया हुआ है? कब्जा नहीं किया, बुआ जी ने चाबी दी है मुझे। भाई बुआ जी इस घर की चाबी तुझे दे दे तो घर भी तेरा हो जाएगा क्या? फ्री में नहीं रहता हूँ, बुआ जी पैसे मांगती हैं हर महीने। अबे उतना तो तू एक दिन में खा जाता है। छोड़ दूंगा तेरा घर भी और तेरा ड्रॉर भी। बोल मत, करके दिखा। मना किया था ना आने को, इतना क्या जरूरी काम है? इतना भरोसा मत कर मुझ पे। और कहाँ रखूं, कोई भी बैंक नहीं ले रहा है, मैं 15 दिन के बाद आके ले जाऊंगा। इस बैंक में तो टैक्स लगेगा। तू किधर भाग रहा है, इधर आ, बोल बोल किधर भाग रहा है, बोल, बैठ इधर, चुपचाप बैठ। मुझे लगता था बुढ़िया सनक गई है, कुछ भी पकती है। फिर एक दिन मेरा माथा ठनका, मैंने सोचा कि तूने अचानक ये झिकझिक से क्यों बंद कर दी, ऐसा क्या हो गया एकदम शांत हो गई तू है? लेकिन आज तो गई फंस। को घर जाने से डर रहा था, नहीं डरना चाहिए था क्योंकि खन्ना तो मेरी कब्र कब की खोद चुका था। चाय लीजिए जी। थैंक यू। नमकीन थोड़ी थोड़ी सी। मुकेश सारिका से कुछ पैसे मांगने आया था दोपहर को, कहने लगा बुआ जी ठीक से खाने को नहीं देती, पकड़ मनी भी नहीं देती। जी जितना बनता है अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते ही है जी। इतने दिनों तो ठीक से ही काम कर रहा था, कोई बदतमीजी भी नहीं की, तो सारिका ने बात सुन ली। अब ऐसे बच्चों को थोड़ी सी हमदर्दी दिखाइए तो उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। ये तो है जी, ये आजकल के बच्चे मतलब विजय के सामने कुछ
जप्पी वप्पी कोशिश। सस्ती शराब की बू आ रही थी उसके मुंह से, तो सारिका ने धक्का दे दिया। वो तो जैसे पागलों सा हो गया, जबरदस्ती किस बांह पकड़ ली उसकी, निशान पड़ गया। जी आने दीजिए जी उसको, मैं उसके फूफा। आने मत दीजिएगा, यही कहने आया था। आपके हस्बैंड की प्रमोशन ड्यू है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोशन की जगह इंक्वायरी बैठ जाए। मुकेश एक घंटे में सामान बांध और निकल जाए यहां से। बुआजी कहां जाऊं मैं? मुझे नहीं पता, किसी दोस्त के पास जा, होटल में कमरा कर ले अपनी नई कमाई से। आजादी मिल गई है अब तो, ऐश कर, नए जूते कपड़े खरीद ले। शराब तो तूने शुरू कर ही दी है। बुआ जी खन्ना जी ने झूठ बोला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ वो सारिका जी के घर गया था। सारिका के बारे में उड़ती उड़ती सबने सुनी है, खन्ना तेरे को क्यों निशाना बना रहा है पता नहीं, लेकिन तू यहाँ रहा तो तेरे फूफा जी मैं हम सब जरूर फंस जाएंगे। तू तो भाई बख्शी दे। मास्टर क्या हुआ, इधर क्यों लेटा हुआ? और इधर सामा, चल 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 आ जा अंदर। रख ले सामान। मॉरिशस मेरी बुआ जी का सन रहता है, हमेशा कहता है अबे तू भी आ जा, बूढ़ा तुम्हें कौन जाएगा। जॉनी भाई मेरे पैसे फंसे हुए हैं कहीं, मिलते ही कमरा कर लूंगा। एक शर्त है, रात को चेस खेल मेरे साथ, फ्री में रह ले जब तक तेरी मर्जी। सोनू बोल। भैया आप कब आ रहे हो? 1 तारीख से पहले आ जाऊंगा। क्यों, कुछ हुआ है? नहीं भैया, वो आप जल्दी आ जाओ। आ जाऊंगा, तू बेचैन मत हो, चल बाय।
हेलो हेलो जी कविता जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। कौन मुकेश? यहाँ कोई कविता नहीं है। हेलो जी, आप क्यों कॉल किया? हेलो 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 मिस वीना जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी। आपने फ़ोन नहीं किया इसलिए मैंने सोचा कि जी। रॉन्ग नंबर। काजल जी बोल रही हैं, मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी। उषा जी, जी मैं मुकेश बोल रहा हूँ। वंदना जी। रॉन्ग नंबर। जी अब से फ़ोन नहीं करूँगा। हेलो सारिका जी, मैंने किया ना फ़ोन करने को, दोबारा मत करना। बोल रहा हूँ जी, जी सॉरी। कौन है मम्मा? कुछ नहीं बेटा, कोई कोई है, एड्रेस पूछने। अच्छा सॉरी। इट्स ओके। सारिका से मिलना जरूरी था और एक ही जगह थी जहां मैं उससे मिल सकता था। वो और कहीं जाए ना जाए, हर मंडे पार्लर जरूर जाती थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जा अभी यहाँ से, वो आ रहा है। मारा उसने तुम्हें? नहीं तो क्या मेडल देगा? मेरी बहनें आ रही हैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ भाई हो गया। चलो हाँ, कल की अपॉइंटमेंट। ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग। जॉनी भाई। हाँ। मेरा एक काम कर दोगे? क्या? आपको रेलवे कॉलोनी जाना होगा, बसंत लेन में, उसी आंटी के पास। तो तू क्यों नहीं चला जाता? बुआ जी से झगड़ा नहीं करता तो चला जाता। अच्छा। वहाँ बुआ जी ने देख लिया तो प्लीज। काम क्या? दोपहर में सोना, किस्मत में रोना।
लेकिन उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है तेरे जितने बनते थे सारे तुझे दे दिए। तेरी आंटी ने तो मुझे घर में भी घुसने नहीं दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हस्बैंड को बुलाऊंगी, तेरा नंबर दे दिया पुलिस को, तेरे नाम की एनसी निकलवाई हुई है, क्या कर रहा है, मजा आ गया मुझे बुढ़ापे में। मेरा धंधा बंद कर दिया, मुझे घर से निकलवा दिया, अब मेरे पैसे नहीं देगी मुझे, पैसे नहीं देगी मेरे मुझे, मेरी बात हाँ? क्या समझती क्या है वो, बात सुन हाँ? मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्या, डर लगता है मुझे क्या उससे, हाँ? समझती क्या है वो, होश में आ, क्या कर रहा तू, क्रांति करेगा पता नहीं तो क्या ट्यूशन पढ़ाता है, पर मेरा पार्ट सीख ले, तू अपना सिम कार्ड निकाल, ये सिम कर दे, अरे दूर हो जाओ इन लोगों से, बहुत पैसे वाले लोग हैं फंसा देंगे, हंसता नहीं बात को, सिम कार्ड दे दे पहले, फेंक दे, सिम कार्ड फेंक दूंगा तो बहने फोन कैसे करेंगी, तो मेरा नंबर दे देना, अगर आपको कोई फोन किया तो, तूने कभी इस फोन को बचते देखा, हाँ मुर्दे फोन कर ले, मेरा नंबर दे देना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, काट के रख दूंगा उसको, फिर वही पापा दारू भी खत्म हो गई, चला चला शहरी सलाह घाट सलाहने के लिए आगे बढ़ाते हो, ये लो भाई भरोसा कर रहे हैं, थोड़ी सलाह दो ये पीछे से लेके चले जाएगा, नहीं भाई हाँ बहनों को नंबर दे जाता हूँ, मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं बताना, टेंशन मत लेना, नंबर किसका है? ये एक दोस्त का नंबर है। तुम लोग बाहर हो क्या? इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? भैया हम वहाँ से भाग आए, हम दिल्ली आ रहे हैं। भाग आए हो? मतलब? अरे पागल हो गए हो क्या? हो क्या रहा है वहाँ पर? भैया मैं आपको सब आके बता दूंगी। अरे बच्चे हो क्या तुम लोग? हाँ? अरे बोला था ना कुछ दिन रुकने को। भैया प्लीज डांटो मत, वो वार्डन। क्या किया वार्डन ने? सोनू क्या किया वार्डन ने बता मेरे को। वो वार्डन छोटी के कमरे में पी के घुस गई थी। भैया मैं कल आके आपको सब बता देती हूँ, मैं स्टेशन से आपको। सोनू सुन, देख अपना ख्याल रखना ठीक है, पैसे है ना तुम लोगों के पास? जी भैया पहुँचते ही फोन करना, मैं लेने आऊंगा। जी देखिए जॉनी भाई कुछ पैसे उधार दे सकते हो, मैं जल्दी लौटा दूंगा आपको पैसे। मेरे पास पैसे होता तो मैं कब का मॉरीशस चला गया होता, मास्टर मुर्दों के लिए काम करता हूँ, एक मुर्दा एक वक्त का खाना, कम से कम इसलिए जिंदा हूँ कि हर रोज लोग तो जवान है तुझे बहुत चांस मिलेगा, भाई जरा एक मिनट रुकियो।
पहली रात है इसलिए साथ है। कल से अपने आप एरिया बदल लियो, डरियो मत। चल दवा है ले। और पी ले, मत को भी दर्द होता। पी पी चल तू जा, धंधा शुरू। इधर बदेरी चेक कर ली, आज चिकने ने चेक कर लो। तीन लोग हो फिर क्या टिक्का करेगा तू? तीन लोगों के पैसे लगेंगे। हैं? तीनों के मिल जाएंगे, पर एक बार तू रेंता। अरे अरे भाई साहब बुला रहे हैं, डर क्यों रहा है? क्यों पहली बार गुल्लक पड़वाऊंगा के? एक के 2000 लगेंगे। हैं? यहाँ का यही रेट है। यहाँ का? लाइट में खड़ा है तू? घेरे से भीतर। अब मेरा ससुर भाई साहब से जुबान ले। देखा देखा क्या हुआ? देख मुझे पूरी स्टोरी पता नहीं क्या है, सब छोड़ दे, भूल जा सब कुछ, नए सिरे से शुरू करते ना। मैं अपने हक का तो छोड़ूंगा नहीं जॉनी भाई।
जी। बताया तो तेरे दोस्त को। किसने कराया? तुझे क्या लगता है? खन्ना ने। क्यों? उसे ना तो काम के बारे में कुछ मालूम था और ना लड़कों। लड़के और भी थे। चल मेरी बात मान, थोड़ा टाइम वेट कर ले, काम फिर से शुरू हो जाएगा। अभी निकल यहाँ से, अपनी बहनों के बारे में सोच कम से कम। अरे नहीं दसना तेरे इसकी। दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, नहीं तो पूरी कॉलोनी इकट्ठा करूंगा मैं आज। दरवाजा खोल, आज पूरी कॉलोनी तेरा तमाशा देखेगी। मुकेश मेरे पास है। सारिका मुझे इज्जत की परवाह नहीं है, आज तेरी इज्जत का कबाड़ा निकालूंगा मैं। सारिका, सारिका दरवाजा खोल देने तो तोड़ दूंगा मैं। सारिका दरवाजा तोड़ दूंगा मैं बोलता हूं। हम दोनों को मार देगा। जॉनी भाई, जॉनी भाई, जॉनी भाई, जॉनी हेलो हेलो मुकेश बोल रहा हूँ, जॉनी है। कौन? गार्बो? हाँ वो तो कट लिया। मॉरिसस लंबा आदमा रस साले ने। रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आप कहाँ हो भैया? भैया कितनी देर से वेट कर रहे हैं स्टेशन के बाहर? आप आ रहे हो ना? तुम लोग वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूं।
साले आज पक्का तारे हैं तू। चोद